हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम लोग सेंट्रिफ्यूगल पंप के ऊपर मंथली जो चेक पॉइंट्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और क्या क्या पॉइंट में चेक करना चाहिए उसको आज हम लोग समझेंगे। तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। अगर चैनल में नए हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और अभी तक अगर चैनल का मेम्बरशिप नहीं लिए हैं तो अभी तुरंत जाके मेम्बरशिप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए करते हैं अभी वीडियो को शुरू। ये एक सेंट्रिफ्यूगल पंप है और इसमें महीने में हम लोग को एक बार पंप को चेक करना पड़ता है। क्या क्या पॉइंट को चेक करना पड़ता है हम लोग का? सबसे पहला पॉइंट इसका स्पाइडर को आपको देखना है, जो बीच में रबर का दिख रहा है ब्लैक वाला, उसको स्पाइडर बोला जाता है। उस स्पाइडर को आप लोगों को चेक करना है। देखिए स्पाइडर में अभी गैप आ गया है तो ये क्या होगा, स्पाइडर रनिंग में डैमेज हो जाएगा। इसको अभी हम लोग को चेंज करना पड़ेगा स्पाइडर को, और हर एक बार महीने में आपको हर एक महीने एक बार स्पाइडर को चेक करना चाहिए। अलाइनमेंट को चेक करना चाहिए, कपलिंग का अलाइनमेंट सही है कि नहीं। महीने में एक बार आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं चेक करोगे तो स्पाइडर डैमेज हो जाएगा, साथ में कपलिंग को डैमेज कर देगा, क्योंकि वो कास्ट आयरन का रहता है। अगर मेटल टू मेटल टच किया तो कपलिंग आपका डैमेज हो जाएगा और कपलिंग बहुत कॉस्टली आता है। तो आपको महीने में एक बार स्पाइडर को चेक करना है, अलाइनमेंट को चेक करना है। और इस तरह से अगर बीच में प्ले हो गया है, दिख रहा है जिस तरह से, तो तुरंत स्पाइडर को आप लोग चेंज कर दो। ये देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे ग्रीस निप्पल लगा हुआ है, एक ड्राइव साइड में एक नॉन ड्राइव साइड में। तो महीने में एक बार आपको हर एक बार ग्रीसिंग करना है, ड्राइव साइड का भी और नॉन ड्राइव साइड का भी। ड्राइव साइड किसको बोलते हैं, जिधर कपलिंग रहता है, और ये नॉन ड्राइव साइड है, ठीक है। ड्राइव और नॉन ड्राइव भी समझना चाहिए। नॉन ड्राइव साइड किधर, पंप के जो डायरेक्शन में रहेगा उसे नॉन ड्राइव साइड का ग्रीस निप्पल बोला जाएगा, जिधर ग्लैंड रहता है, और ये है ड्राइव साइड। और ये जो ग्रीस वगैरह दिख रहा है इसको सारा को क्लीन करना है। महीने में एक बार पंप को आपको अच्छी तरह से क्लीन करना है। और ग्रीस इतना कीजिए कि एक रिलीज पॉइंट रहता है, ग्रीस जब भी टॉप अप करोगे तो अपोजिट साइड से रिलीज पॉइंट रहता है, वहाँ से ग्रीस आना चाहिए, ब्लैक कलर का ग्रीस आएगा। जब तक नहीं आता आपको ग्रीस पंप से ग्रीसिंग करना है। वाइब्रेशन लेना है ड्राइव साइड का भी और नॉन ड्राइव साइड का भी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, दोनों साइड का लेना है आपको। वाइब्रेशन लेना बहुत ज़रूरी है, इससे क्या होता है बियरिंग में अगर कुछ प्रॉब्लम है, बियरिंग प्ले है, हॉजिंग प्ले है, तो वाइब्रेशन से सब कुछ पता चल जाता है। तो इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है महीने में एक बार वाइब्रेशन लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको महीने में एक बार ज़रूरी है एकदम लेना। इसका आप लोग चेकलिस्ट बनाइए, जो जो मैं चेक पॉइंट्स बता रहा हूँ, और इसको करना है। वाइब्रेशन किस तरह से लिया जाता है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और एक्सल, ठीक है, तीन डायरेक्शन में वाइब्रेशन लिया जाता है। इसका मैं नेक्स्ट वीडियो लाइव वाइब्रेशन लेते हुए बनाऊँगा। तो ड्राइव साइड और नॉन ड्राइव साइड दोनों साइड का वाइब्रेशन लेना है और उसके डाटा को आपको एंट्री करना है। उसी डाटा से पता चलेगा आपको कि किस साइड का बियरिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम है, ड्राइव साइड का बियरिंग में प्रॉब्लम है कि नॉन ड्राइव साइड का बियरिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो हमेशा वाइब्रेशन लेते समय आपको ये ध्यान देना है कि तीनों डायरेक्शन का वाइब्रेशन एक्यूरेट लेना है, अच्छी तरह से लेना है। वाइब्रेशन का मैं नेक्स्ट वीडियो भी बना दूंगा, मीटर से किस तरह से वाइब्रेशन लिया जाता है, ये हर एक फिटर को आना चाहिए, ठीक है। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और एक्सल, जो अभी मैं फिंगर से दिखा रहा हूँ वो एक्सल है। ये वर्टिकल आप ऊपर लगाओगे, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर एक्सल, ठीक है। इसी तरह से तीन डायरेक्शन में वाइब्रेशन लेना पड़ता है, ज़रूरी है, तीनों डायरेक्शन में वाइब्रेशन लेना ज़रूरी है। और आपको सवाल भी कर सकता है कोई कि वाइब्रेशन किस किस डायरेक्शन में लिया जाता है, तो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और एक्सल तीन डायरेक्शन में वाइब्रेशन लिया जाता है। उसके बाद वाइब्रेशन लेने के बाद क्या करना है आपको, ग्लैंड वगैरह चेक करना है इसका, कि ग्लैंड पुशर का हालत किस तरह से है। ग्लैंड का जो वाटर है वो ड्रॉप ड्रॉप ही गिरना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। ग्लैंड को खोल के उसका अंदर का स्लीव को चेक करना है और ग्लैंड पैकिंग को चेक करना है। आपको मंथली चेक करना है एक बार। ग्लैंड पैकिंग को भी नहीं चेक करते हैं तो ग्लैंड पुशर को आपको हर एक महीने में एक बार क्लीन करना है अच्छी तरह से, और थोड़ा ग्रीस वगैरह लगा दीजिए, क्योंकि वहाँ से रेगुलर पानी का रिसाव होते रहता है तो वो रस्टेड हो जाता है।
रस्टेड से बचने के लिए सबसे बहुत अच्छा उपाय है कि आप उसके स्टड में ग्रीस लगा दो और ग्लैंड पुशर में उसमें भी ग्रीस लगा दो। ग्लैंड पैकिंग अलग होता है, ग्लैंड पुशर अलग होता है। जो मैं दिखा रहा हूँ ये ग्लैंड पुशर है, ग्लैंड पैकिंग इसके अंदर लगा हुआ है और स्लिप भी इसके अंदर लगा हुआ है। तो ग्लैंड पे पुशर को अच्छी तरह से क्लीन करके थोड़ा ग्रीस वगैरह हर एक महीना एक बार लगा दिया कीजिए। उससे क्या होगा, आपका ग्लैंड पुशर का लाइफ बढ़ जाएगा, रस्टेड नहीं होगा। तो नेक्स्ट टाइम आप ग्लैंड को टाइट करके एडजस्ट कर सकते हो। ये सारा पॉइंट को आपको हमेशा ध्यान देना है। उसके बाद और क्या करना है, बेस बोल्ट फाउंडेशन का जो बोल्ट है उसको भी महीने में एक बार आपको टाइटनेस करना है अच्छी तरह से। चारों पांच जितना भी बेस बोल्ट है, चार पांच छः हो, आपको उसको टाइट करना है अच्छी तरह से, क्योंकि वाइब्रेशन का वजह से वो लूज हो सकता है और लूज का वजह से आपका इक्विपमेंट को डैमेज करेगा, स्पाइडर को डैमेज करेगा, कपलिंग को डैमेज करेगा। तो हमेशा बेस बोल्ट को भी आपको अच्छी तरह से टाइट करना है और क्लीनिंग में ध्यान देना है। पंप का क्लीनिंग पूरा अच्छी तरह से महीने में एक बार कर दीजिए। ये सारा चेक पॉइंट्स को आपको एक चेकलिस्ट बना लेना है, एक डॉक्यूमेंट्स बना लीजिए। उससे क्या होगा, आप लोग रेगुलर कर सकते हो। इसका स्पाइडर चेक करना है, इसका अलाइनमेंट चेक करना है, ग्रीसिंग करना है ड्राइव साइड नॉन ड्राइव साइड का, टेम्परेचर गन से टेम्परेचर लेना है कि पंप ड्राइव साइड में कितना टेम्परेचर है, नॉन ड्राइव साइड में कितना टेम्परेचर है, वाइब्रेशन लेना है हर एक महीना। इसका एक चेकलिस्ट बनाइए आप लोग, और उसी चेकलिस्ट से आपको हर एक महीना उस इक्विपमेंट को चेक करना है। इससे क्या होगा, जो इक्विपमेंट है, जो पंप है, उसका लाइफ दो गुना चार गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि आप लोग महीने में हर एक बार चेक करोगे। स्टेनर को क्लीनिंग करना है क्योंकि ये सक्शन लाइन में है, स्टेनर नहीं क्लीन करोगे तो इसका फ्लो वगैरह भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में स्टेनर का भी दिखाऊंगा कि स्टेनर में कितना ज़्यादा गंदा वगैरह फंसे रहता है, तो मैं स्टेनर को भी नेक्स्ट वीडियो में डिसमेंटल करके आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। तो स्टेनर को भी हर एक महीना आपको चेकलिस्ट में ऐड करना है कि स्टेनर को हर एक महीने में एक बार क्लीन करना है। ये सारा पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए, जिस जिस पॉइंट को मैंने बताया, और इसका एक डॉक्यूमेंट्स बना लीजिए पेपर, और इस पॉइंट को आपको चेक करना है। फिटर को ये जानना चाहिए कि महीने में एक बार पंप में, सेंट्रिफ्यूगल पंप में किस किस पॉइंट को चेक किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ठीक है। तो जो जो पॉइंट मैंने बताया, स्पाइडर चेक करना, अलाइनमेंट करना, ये सारा चीज़ आप लोगों को नोट कर लेना है। ग्रीसिंग करना ड्राइव और नॉन ड्राइव साइड, वाइब्रेशन लेना, टेम्परेचर लेना, सारा चीज़ वाइब्रेशन तीनों डायरेक्शन का लेना। ये जो जो पॉइंट्स मैंने बताया इसको आप लोगों को हर एक महीने में एक बार ज़रूर चेक करना है, स्टेनर वगैरह साफ करना। तो इसका आप लोग एक डॉक्यूमेंट्स बना लीजिए, और सेंट्रिफ्यूगल पंप का इस तरह से आप लोग महीने में एक बार मेंटेनेंस कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ भी अच्छा नॉलेज मिला है तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और मेंबरशिप नहीं लिए हैं तो अभी तुरंत जाके मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।